छिंदवाड़ा में मक्के के बीच अवैध रूप से गांजे की खेती की जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई करते हुए गांजे के पौधे को जब्त कर खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। परासिया विधानसभा के ग्राम कोंडरा में मक्कों के बीच गांजे की खेती की जा रही थी। खेत के चारों ओर मक्के की फसल लगी थी और मक्कों के बीच में लगभग 2000 गांजे के पौधे लगाए गए थे, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10,65,000 बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा खेत पर दबिश दी गई और खेत में लगे गांजे के पौधे उखाड़कर जब्त कर लिए गए। खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोई हुई फसलों के बीच में गांजे के पेड़ लगे हुए मिले। ये पेड़ करीबन 3 फीट से लेकर 10 फीट के ऊंचाई के थे, जिनमें बड़े बड़े पत्ते, फूल व फल भी कुछ पेड़ों में आ गए थे। पुलिस द्वारा विसंगत कार्रवाई करते हुए नियमानुसार उन पेड़ों को जमीन से निकलवा कर गिनती कराई गई तो कुल गांजा के पेड़ 1573 पाए गए और उनका वजन कराया गया तो 2 क्विंटल 12 किलो 580 ग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीबन 10,62,000 के आसपास थी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।